प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को डिजिटल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन हर तरह की आधुनिक सुविधाएं से लैस है। ये देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन है जो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक का सफर लगभग 7.5 घंटे में पूरा करेगी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक का सफर वंदे भारत ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में 3 घंटे पहले ही तय कर लेगी। इस वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच हैं, इसमें 2 चालक कक्ष हैं, इसमें 2 विशेष कोच भी होंगे। वहीं ट्रेन के बाकी सभी कोच सामान्य हैं। हर कोच में 2 कतारों में कुल 78 सीटें दी गई हैं। इन कोच में सीटों के बीच टेबल्स भी खास तौर से तैयार किए गए हैं। ये सभी आकर्षण का केंद्र बने हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना की गई ये ट्रेन दोपहर 2:30 बजे से रवाना होगी और रात 10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूती देने में स्वदेशी नई वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत 2.0 का खास महत्व है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन का नया वर्जन 52 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। वहीं बुलेट ट्रेन 54.6 सेकंड में ये रफ्तार पकड़ती है। देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ी थी। अब चेन्नई और मैसूर के बीच वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली और देश की 5वीं स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। देश में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन और उसके बाद 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। अपग्रेड वंदे भारत ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकती है। इस गति को बढ़ाकर 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत में पहला रेल भाप इंजन 1 नवंबर 1950 में चितरंजन रेल कारखाने में बना था। वहीं आज के समय में भारत में हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण भी खुद से हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 18 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पहली ट्रेन चेन्नई के एकीकृत रेल कोच फैक्ट्री में सिर्फ 18 महीने में तैयार हुई थी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस के कोच का निर्माण भी देश में ही हुआ है। पहली तेजस ट्रेन 23 मई 2017 को मुंबई और गोवा के बीच चलाई गई थी। भारत ने अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच भी विकसित किया है जिसे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। भारत अब आधुनिक रेलगाड़ियां निर्यात भी कर रहा है। रायबरेली में निर्मित रेल कोच अब निर्यात किए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि रेलवे उन सेक्टरों में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति करी है। रेलवे की खास स्थिति को बदलने के लिए रेलवे ट्रैक को तेज चलने वाली रेलगाड़ियों के हिसाब से तैयार करने का काम किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक मजबूत झलक को पेश करती है। वंदे भारत ट्रेन में है कई खासियत। नई वंदे भारत ट्रेन का वजन 392 टन है। ये ट्रेन पुरानी वाली ट्रेन से काफी हल्की है जबकि पहले वाली वंदे भारत ट्रेन का वजन 430 टन का है। नई वंदे भारत ट्रेन के वातानुकूलित प्रणाली में 15% कम बिजली खर्च होगी। एग्जीक्यूटिव कोच में 180 डिग्री घूमने वाली सीटों की सुविधा भी दी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।